अनु शादी के बाद कमरे में बैठी जितेश का इंतजार कर रही थी, पर पता नहीं शायद जितेश पूरी रात ही नहीं लौटा था। इंतजार में अनु की आंख लग गई। सुबह सुबह एक कठोर आवाज ने उसे ऐसे उठा दिया मानो किसी ने जोर का पत्थर फेंका हो। अरे ओ महारानी, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तू अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। तेरे बाप के घर में सोते होंगे इतनी देर तक, हमारे यहाँ तो सुबह सुबह 6 बजे सबको चाय पीने की आदत है। भाभी बस मैं तैयार होकर 5 मिनट में आती हूँ। अलका अनु के कमरे से मुंह बनाती हुई बाहर चली जाती है। अनु जल्दी जल्दी तैयार होकर सबके लिए चाय बनाती है, पर जितेश का पूरे घर में कुछ भी अता पता नहीं था। किसे ढूंढ रही हो? देवर जी तो अभी थोड़ी देर पहले ही नहा धोकर दुकान चले गए। मुझे मिले बिना ही चले गए। अनु दुकान पर फोन मिलाती है, पर फोन जितेश की जगह बड़ा भाई पवन उठा लेता है। शाम को जब जितेश घर आता है, आप बिना बताए सुबह दुकान चले गए थे। तो क्या तुम्हारे उठने का इंतजार करता है कि तुम उठोगी और मेरी आरती उतारोगी, तब मैं दुकान जाऊंगा? आप मेरे से इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? माँ ने साफ साफ बोल दिया था तुम्हारे पिताजी को कि मेरे लिए एक गाड़ी की डिमांड पूरी करके दें, पर तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया और तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ यहाँ भेज दिया। क्या लाई हो तुम? 4 कपड़े, मेरे लिए एक पतली सी सोने की चेन, माँ और भाभी के लिए कानों की छोटी छोटी बालियां, बस हो गया काम है? आपको पता है पिछले महीने ही माँ को हॉस्पिटल एडमिट करवाया था। उनके ऑपरेशन में पापा के बहुत पैसे लग गए, नहीं तो वो गाड़ी देने वाले थे। अच्छा बहाना बनाया है तेरे बाप ने, माँ की बीमारी का बहाना करके पल्ला झाड़ लिया। ससुराल वालों का बुरा व्यवहार अनु के सारे सपनों को चूर चूर कर देता है। सास और जेठानी के अत्याचार अनु को रुला देते थे। एक दिन जितेश अपने दोस्त की पार्टी में चला जाता है और देर रात तक घर नहीं आता। रात के 1 बजे अचानक, कौन है? आप आ गए क्या? रुकिए मैं लाइट चलाती हूँ। जेठ जी, आप इस वक्त मेरे कमरे में? मैंने सोचा जितेश तो पार्टी में आनंद उठा रहा होगा, तुम यहाँ अकेली उदास बैठी होगी, इसलिए तुम्हारा दिल बहलाने आ गया। जेठ जी आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। पवन अनु के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अनु शोर मचाने लगती है। अनु की सास और अलका दोनों कमरे में आ जाती हैं। अलका ये देखो, अनु ने मुझे बहाने से अपने कमरे में बुलाया और जबरदस्ती मेरे साथ चिपक कर शोर मचाने लगी। तेरी इतनी मजाल, तू मेरे पति पर डोरे डालेगी? शर्म नहीं आती तुझे? अगर तेरा पति बाहर है तो तू ये गंदी हरकत करेगी? ये ऐसे नहीं मानेगी अलका बहू, इस कूड़े करकट को इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दो, ये अब इस घर में नहीं रह सकती। इतनी देर में जितेश भी आ जाता है। उसे सारी बात पता चलती है तो वो भी अनु पर भड़कने लगता है। अनु ने जो गलती की है उसके लिए इसको कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम खुद यहाँ से जाओगी या धक्के मार कर निकालूं? अनु रोती बिलखती रहती है पर कोई उसकी बात तक नहीं सुनता। मायके वो क्या अपमान लेकर जाती, उसकी माँ पहले ही बीमार थी। हे भगवान, मेरे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं, मुझे माफ कर देना माँ पिताजी। अनु एक नदी में कूद जाती है। तभी रामदेव नाम का एक मछुआरा वहाँ से गुजर रहा था। अरे अरे अरे, ये नदी में किसने छलांग लगा दी रे? ईश्वर, अरे ये तो कोई लड़की है। रामदेव अनु को किनारे तक लेकर आता है। अनु होश में नहीं आ रही थी। रामदेव कुछ और लोगों की मदद से अनु को घर ले जाता है। अरे ये कौन है, ये किसे उठा कर ले आए? अरे पता नहीं कौन है बेचारी है, अरे नदी में डूब कर मरना चाहती थी, मेरी नजर पड़ गई तो बचा लिया। रामदेव की पत्नी सीता कुछ पत्तों का काढ़ा बनाकर अनु को पिलाती है। कुछ देर बाद अनु को होश आ जाता है। वो रोते हुए अपनी आप बीती रामदेव और सीता को बताती है। नहीं बेटी, ऐसे अपना जीवन खत्म करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। मनुष्य का जीवन तो संघर्षों से ही भरा होता है, पर हमें हर मुसीबत से डटकर मुकाबला करना चाहिए। आत्महत्या करने से कोई हल नहीं निकलता, जो हो गया उसे भूल जाओ बेटी। अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना तो तुम हमारे पास ही रह सकती हो। राम और सीता की भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अनु को बेटी की तरह प्यार करने लगे। समय बीता, रामदेव की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी वो नहीं बच सका और उसका देहांत हो गया। अब अनु ही सीता का सहारा थी। एक दिन, माँ मैं चाहती हूँ घर चलाने के लिए मैं कुछ काम कर लूँ, सोच रही हूँ कहीं कोई काम मिल जाए तो सहारा हो जाएगा। ठीक है बिटिया,
पर ध्यान से जाना। अनु नौकरी की तलाश में घर से निकलती है, तभी एक गाड़ी वाला रास्ते में किसी महिला को टक्कर मारकर चला जाता है। अनु ये सब देख लेती है और कुछ लोगों की मदद से उस महिला को पास के हॉस्पिटल लेकर जाती है। अरे ये तो डॉक्टर गीता है, जल्दी से डॉक्टर राजीव को बुलाइए। डॉक्टर गीता को ये चोट कैसे आई? ये पैदल जा रही थी तभी कोई गाड़ी वाला ठोकर मारकर भाग गया। जिस महिला का एक्सीडेंट हुआ था वो इसी हॉस्पिटल की डॉक्टर गीता थी। कुछ समय बाद डॉक्टर गीता को होश आता है। डॉक्टर गीता, ये अनु जी हैं। आज यही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। थैंक यू सो मच अनु, आज तुम्हारी वजह से मैं ठीक हूँ। डॉक्टर गीता अनु से उसके बारे में जानकारी लेती है और उसके साथ हुए अत्याचारों को सुनकर वो भी बहुत दुखी होती है। अनु, अगर तुम चाहो तो यहाँ हॉस्पिटल में एक नर्स बनकर मरीजों की देखभाल कर सकती हो। इन मरीजों की सेवा करके तुम्हारे दिल को बहुत खुशी मिलेगी और यहाँ तुम्हें रहने के लिए क्वार्टर भी मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गीता, आपने मेरे मुश्किल वक्त में एक उम्मीद जोड़ दी। उस दिन के बाद अनु सीता के साथ हॉस्पिटल के क्वार्टर में ही रहने लगी और नर्स बनकर मरीजों की सेवा करने लगी। एक दिन, हटिए हटिए, इमरजेंसी है, आदमी को बहुत चोटें आई हैं, हटिए हटिए। जितेश, ये सब कैसे? अनु, तुम इसे कैसे जानती हो? ये मेरे पति है जितेश। अनु उस वक्त एक नर्स के साथ साथ एक पत्नी का भी फर्ज निभाती है और जितेश की देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद जितेश ठीक हो जाता है। अनु, तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। भैया ने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाया। माँ का पिछले 15 दिन पहले ही देहांत हो गया। भैया भाभी ने यह सब जायदाद के लिए किया था। उन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की और एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट करवाना चाहा। शायद भगवान चाहते थे कि मैं तुमसे अपने किए की माफी मांग सकूं, इसलिए उन्होंने मुझे उस दिन बचा लिया था। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं इसके लायक भी नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना अनु। जितेश रोते हुए जाने लगता है, तभी अनु उसका हाथ पकड़ लेती है। जितेश रोते हुए अनु के गले लग जाता है। दोनों एक दूसरे के गले लग कर रोने लगते हैं। मानो कितने समय का दुख छिपाए वे दोनों एक दूसरे के इंतजार में थे। उस दिन अनु और जितेश के आंसू सच में मोती समान बन गए थे। उस दिन के बाद जितेश और अनु सीता के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगे।